ऑल राइट जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आई नो वेलकम, खुश आमदीद। और आप लोग सुन रहे हैं जी, क्या सुन रहे हैं? यकीनी तौर पे जायके का सफर। और मैं हूँ शायान रजा, आपके साथ आपका होस्ट इस सफर पे, आपका हम सफर। और आपको पता है, हमने लास्ट शो में भी बताया था कि जी हम इस सफर पे आपको मुख्तलिफ जायकों से रोशनास करवाएंगे, मुख्तलिफ रेमेडीज और रेसिपीज बता रहे होंगे जो कि आपको किचन में बहुत मुफीद साबित होंगी। और इसी तरीके से आप अपने जो दस्तरखान की रौनकें हैं वो और मजीद बढ़ा सकेंगे और अच्छे तरीके से अपने मेहमानों को सर्व कर सकेंगे। तो जी जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं अहमद इकबाल, जो कि हमारे मायानाज शेफ भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शायान। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। आप बताएं, आप कैसे हैं और कैसा गुजरा आपका हफ्ता? जनाब, आपने जब से स्पेनिश ऑमलेट का मुझे बताया है और साथ ही साथ हमने कैरेमल टी टेस्ट की थी, तो उसके बाद से बड़े दिल भारी भारी हुआ, मतलब क्योंकि उसमें आपने बड़े रिच इंग्रेडिएंट्स डाले थे, जिसमें कैबेज और आलू और शायद चीज़ भी आपने डलवाई दी थी, तो बड़ा दिल दिक दिक हुआ हुआ था। लेकिन ओवरऑल मौसम के हिसाब से जो हफ्ता है वो बहुत अच्छा गुजरा है, प्लेजेंट सा मौसम रहा, हल्की हल्की ड्रिजलिंग होती रही, बूंदाबांदी, कभी शावरिंग भी होती रही, तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। आप बताइए, आपका हफ्ता कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मेरा ये हफ्ता गुजरा। थोड़ी सी मसरूफियात थी, बाकी बहुत का दिन रहा। अच्छा, अभी जो है ना, हमने दिन पहले पाकिस्तान का जो है ना आज़ादी का दिन मनाया, और हमने अपने मुल्क के लिए दुआएं भी की हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को जो है ना शाद आबाद रखे। तो मैंने सोचा है क्यों ना आज हम कुछ स्पेशल, कुछ नया नया तो खैर नहीं है, पुराना ही है, तो कुछ नए अंदाज से आज अपना सफर आज हम आपको बताएं कि आज हम अपने सफर में क्या बता रहे हैं, किस सफर में आपको लेके जा रहे हैं। शायद आपको पता है पाकिस्तान का कौमी डिश कौन सी है? सबसे पहले तो गुज़िश्ता जो योम आज़ादी है, जश्न आज़ादी है, वो आप तमाम लिसनर्स को मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिएगा। और अहमद भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने बड़े जोश व खरोश से ये योम आज़ादी मनाया था 78वां, और पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत दुआएं की थी। कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो जाए, हमने मायूसी का साथ नहीं देना, हमने हमेशा पुरअज़म रहना है और इसी जोश के साथ आगे बढ़ते रहना है कि कभी ना कभी हमारा मुल्क तरक्कियों की राहों पे गामजन ज़रूर होगा और यकीनी तौर पे हम भी डेवलप्ड कंट्रीज में कभी ना कभी शामिल होंगे। जहां तक रहा आपका सवाल, तो एक काम करते हैं, अभी हम लेते हैं ब्रेक, ठीक है जी। और जो आपने सवाल किया है कि जी हमारी कौमी डिश, तो ये हम लिसनर्स के पास छोड़ते हैं, पहले तो वो बताएं कि भाई हमारी कौमी डिश कौन सी है, और बताने का तरीकेकार क्या है। आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 0330860072, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं नई सुबह के फेसबुक के पेज पे, जो कि है www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। आप हमें जहाँ पे सुन रहे हैं वो है वेबसाइट www.naisubah.org/radio। ये वेबसाइट आप अपने प्यारों को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी हमारा शो या हमारे जो और दीगर शोज हैं वो सुन सकें। तो लिसनर्स, कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए, हम एक ब्रेक के बाद आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे इसी जायके के सफर पे, और आपने हमें बताना है कि जो पाकिस्तान की नेशनल डिश है वो क्या है। तो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं जायके का सफर नई सुबह वेब रेडियो पे विद शायान एंड अहमर। अच्छा जी अहमर भाई, मेरे पास ब्रेक में कुछ जवाब आए हैं, ठीक है। मुल्तान से हमें फायजा मुगल सुन रही हैं, उन्होंने कहा कि जी शो और रेसिपीज औसम होती हैं, आपके जो ये उस्ताद जी हैं कमाल ही हैं, और ये कमाल ही बल्कि धमाल कर देते हैं। बहुत शुक्रिया फैज़ा आपका। दूसरी जनाब कराची से कुरतुलैन अब्बासी, जो कि हमारी आरजे भी हैं, वो भी सुन रही हैं और वो भी फूड लवर हैं, तो उन्होंने भी आपको बहुत शुक्रिया कहा है कि इतनी मजे मजेदार सी डिशेस शेयर करने के लिए। तो एनी, आपका बहुत शुक्रिया। एनी ने जवाब दिया है कि जी निहारी, तो अहमद ये बिल्कुल सही जवाब है, सही है ये जवाब, बिल्कुल ठीक है एनी आपका। और ये वाटर कूलर आपका हुआ, आपकी जहाँ मिलता है आप वहां से जाके ले सकती हैं। ठीक है जी, मेरे उस्ताद जी ने कह दिया कि खुद जाके लेना, तो खुद जाके लेना है नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सफर की तरफ। आज दो सफर है, एक का आपको पता है नहारी, और जो सेकंड जो है, दूसरा सफर है हमारा, वो सरप्राइज है।
वो हम आपको आगे जाकर बताएंगे। निहारी की थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बता दूं जो हमारे सुनने वाले हैं। निहारी जो है वो मुगलियाई यानी कि बादशाहों और मुगल के जो जमाने थे उस वक्त की ये डिश है और ये उस वक्त से जो चलती हुई आ रही है आज तक ये बहुत मशहूर है निहारी के नाम से। असल में निहारी जो लफ्ज है वो जो निकला है वो निहार से निकला है। निहार एक अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है सुबह, यानी कि हम कहते हैं कि निहार मुंह अगर आप एक सेब खा लें तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। यही से लेकर निहार से निहारी। देखें जी लिसनर्स, मेरे उस्ताद जी ने बातों बातों में एक बड़ी फायदेमंद बात आपको बता दी कि जी निहार मुंह सेब खा लें तो काफी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो इसी तरीके से आपने गौर से सुनना है पूरा शो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कभी भी कुछ एक फायदेमंद बात सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया शयान। अच्छा, निहारी नाश्ते में सर्व की जाती थी उस जमाने में, खैर आज भी बहुत सारे जगहों पर निहारी सुख नाश्ते में सर्व होती है, लेकिन जाहिर है जमाना बदल गया है, लोग थोड़े से अपग्रेड हो चुके हैं, तो अब ये डिश जो है ना ये डिनर यानी कि रात के खाने के सर्व की जाती है और बहुत सारे जगहों पर ये लंच यानी कि दोपहर का नाश्ता इस तौर पर भी सर्व किया जाता है, पेश किया जाता है। अच्छा, निहारी जो है वो एक साउथ एशिया फूड है, यानी कि कोई इसका कोई हम ये नहीं कह सकते कि ये इंडिया या पाकिस्तान की कोई डिश है, ये साउथ एशियन डिश है ये, और इसको सबसे पहले जो है वो एशियन कंट्रीज में यानी कि इंडिया में जब मुगल थे उस वक्त बनाई गई, उसके बाद जब पाकिस्तान जब वजूद में आ जाता हमारा तो उस वक्त ये डिश पाकिस्तान के पास आ गई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये डिश हमारी एक पहचान है, ये ब्रांडेड खाना है जो पूरी दुनिया में निहारी के नाम से मशहूर है और हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि ये हमारे मुल्क की एक सौगात है, एक पहचान है। तो लिसनर्स चलते हैं अपने सफर की तरफ। निहारी जो है ना वो सिर्फ एक मसाले के साथ बनाई जाती है, इसके अंदर किसी किस्म के 12 मसाले 8 मसाले इस्तेमाल नहीं किए जाते। ये बात याद रखिएगा, निहारी जो है वो सिर्फ एक मसाले के साथ जो बनी है, ऑथेंटिक जो बनी है एक मसाले के साथ, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा गहरा होता है। उस्ताद जी, मैंने तो वैसे यही सुना था कि 12 मसाले और 8 मसालों के साथ निहारी बनती है, लेकिन आज आप कुछ एक नया इंकशाफ कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पे कुछ अच्छा ही होगा, मजेदार सा ही होगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा शायान, हमने यही सुना था कि निहारी बहुत सारे मसालों के साथ बनती है, लेकिन जब हमने इसको पढ़ा, इसको रिसर्च किया, तो ये बात सामने आई कि ये सिर्फ एक मसाले के साथ बनती है, इसका जो रंग है थोड़ा सा गहरा होता है। तो सबसे पहले आपने निहारी के लिए जो मीट का इस्तेमाल करना है यानी कि जो गोश्त का इंतखाब करना है वो रेड मीट या वाइट मीट। अच्छा, ये रेड मीट नहीं करनी है, यानी कि गाय के गोश्त या बकरे के गोश्त में ये वजूद में आया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि गाय के गोश्त खाना नहीं पसंद करते, जिनको डॉक्टर से मना किया होता है, बकरे का गोश्त नहीं खाते, उनको नहीं पसंद, तो ये चिकन में यानी कि वाइट मीट में भी बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक जगह इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इस सफर में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर हमने क्या चीज़ चेंज करनी है, बाकी कंप्लीट रेसिपी जो आप रेड मीट यानी कि गाय के गोश्त या बकरे के गोश्त बनाएं, यही आपने मुर्गी के गोश्त के अंदर यही रेसिपीज यही इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि अज्जा हैं, बस एक जगह आके थोड़ा सा प्रोसेस आपने चेंज करना है, बाकी निहारी एज इट इज ऐसी ही रहेगी। इसको बनाने के लिए कुछ तरीका है, कुछ नया तरीका है, इसको हमने जानना है क्या जी। उस्ताद जी एक काम करेंगे ना, जब आपने मुझे बता देना ना कि जहाँ पे वो आप कह रहे हैं ना कि बस एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, तो जैसे ही वो तरीका है ना मुझे बता देना, मैं अलार्म बजा दूंगा। जब अलार्म बजना शुरू हो जाए तो लिसनर्स समझ आइएगा कि वो तरीका चेंज होने लगा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक पॉकेट बनाना है, एक पोटली बनानी है। अच्छा, ये बनाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं कि आप लोगों ने टी बैग यानी कि टी बैग जो होती है, चाय जो होती है जिसे हम कहते हैं तावीज वाली चाय, अक्सर लोग कह रहे होते हैं टी बैग, खान भाई कहते हैं हमारे जो जी भाई है ना, वो कहते हैं तावीज वाली चाय, तावीज वाली चाय। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि टी बैग होता क्या है, एक कप के अंदर दूध और चीनी मिलाया जाता है कि उसके अंदर टी बैग डाला जाता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसका मकसद ये है कि जो टी बैग के अंदर जो पत्ती है हमें उसका सिर्फ अर्क चाहिए, यानी कि उसका सिर्फ जायका और उसकी खुशबू चाहिए, पत्ती हमें नहीं चाहिए, तो बाद उसको अलग कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अपने ध्यान रखिएगा जो मैं अब आप सबको बताने जा रहा हूँ, ये वही कॉन्सेप्ट है। हमने क्या करना है, एक मलगल का साफ सुथरा
सफेद कलर का छोटा सा पीस लेना है कपड़े का, ठीक है, कपड़े का पीस लेना है। अगर बहुत ज्यादा पतला है तो उसको आप डबल कर लें, अगर मोटा है तो ठीक है, पतला है तो डबल कर लें। क्यों डबल कर रहे हैं? क्योंकि आगे जाकर यही पीस जो मंगल का कपड़ा है, जो पोटली है, जो पॉकेट है, ये हमने खाने के अंदर यूज करना है। ऐसा ना कि ये कहीं सब खट जाए और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो बाहर आ जाए। तो एक आपने मंगल का साफ सुथरा कपड़ा लेना है, जो घर के अंदर पहनते हैं वो नहीं लेना, कोशिश करें कि मार्केट में ये दस्तियाब है तो वो अपने किचन के अंदर रखें, जो बहुत सारे जगहों का काम आता है हमारे किचन के अंदर। तो मंगल के कपड़े के अंदर आपने 2 खाने के चम्मच सौंठ, सौंठ यानी कि अदरक को जब सुखाया जाता है तो सौंठ बन जाता है, तो 2 खाने के चम्मच आपने सौंठ को तोड़ना है, पीसना नहीं है। ये बात यहाँ को याद रखिएगा, इसका पाउडर नहीं बनाना, इसको सिर्फ तोड़ना है और आपने इस मंगल के कपड़े के अंदर आपने शामिल करना है। उसके बाद 2 खाने के चम्मच सौंफ, वो इस सौंठ के साथ हमने उस मंगल के कपड़े के अंदर शामिल करना है। 2 चम्मच सौंठ, 2 चम्मच सौंफ याद रखें, जो खाना का खाने के हम यूज करते हैं। अच्छा जी, जी जी एक चीज और बताइएगा कि जो हम निहारी बना रहे हैं ये इसकी क्वांटिटी क्या होगी, गोश्त की क्वांटिटी क्या होगी कि ये ताकि ये 2 टेबल स्पून सौंफ और सौंठ जो भी आप आगे बताएंगे मसाला जात, उनकी अंदाजा होना हमारे लिसनर्स को कि ये कितने किलो निहारी बनेगा। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला है जो मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है, कर लेंगे ये पता चले हम ये सब क्या कर रहे हैं। इसके साथ हमने इसके अंदर चीजें ऐड करनी है, जो मीट है उसका एक फार्मूला है, मीट, प्याज और घी, इसका एक फार्मूला है जो कि मैं बताऊंगा तो फिर आपको समझ आएगा क्या आएगा क्या हम करके आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, कोटली जो हम बना लेंगे, सौंफ जो मैं आपको कह रहा था कि खाने के अंदर जो हम यूज करते हैं वो लेना है। एक सौंफ मार्केट में मिलता है हरे कलर का, जो कि स्वीट डिशेज के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, सौंफ सुखाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जब और कोई एपेटाइजर्स हैं उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो है ना घूरे कलर का जो सौंफ होता है इसको भूनना नहीं है, एज इट इज आपने कोटली के अंदर डालना है और कोटली को आपने लूज टाइट करना है, यानी कि ऊपर से आपने इसको नॉट देना है, जो एक्सेस जो इसका जो कपड़ा है तो काट देना है, और ये तो लूज होगा ये। अगर जब टी बैग लें आप, टी बैग भी थोड़ा सा लूज होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होता, तो इसको भी थोड़ा सा लूज रखना है, इतना लूज नहीं रखना कि ये क्या कहते हैं नॉट खुल जाए और आपका जो भी इसके अंदर सौंठ और सौंफ है वो बाहर आ जाए। 2 चम्मच लिए हमने दोनों हम बराबर, इसको आपने रखना साइड पर। अब जो आपका सवाल था मीट, ठीक है, मीट यहाँ पर सुनिए गौर से, ये फार्मूला है जिसके तहत हम निहारी को बनाएंगे। आप चाहे यहाँ पर गाय का, बकरे का या चिकन का, यानी कि मुर्गी का, जो मीट आपको पसंद है आप वो यहाँ पर ले सकते हैं। गाय का है तो कोशिश करें गौ का गोश्त, जिसके अंदर थोड़ा सा रेशा भी होता है और थोड़ी सी चिकनाई भी होती है, यहाँ पर यूज़ करें। 1 किलो गोश्त का मैं आपको बता रहा हूँ, 1 kg 1 किलो गोश्त, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 किलो प्याज, 1/2 किलो प्याज के अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप घी। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिए, निहारी या पाकिस्तान के जितने भी ब्रांडेड खाने जैसे कि बिरयानी है, कोरमा है, निहारी है और मिठाइयाँ हैं और इस तरीके से हलवा जाते हैं, ये सब घी में बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि हलवा पूरी भी या समोसा ये भी घी में ही फ्राई होते हैं, तो पाकिस्तानी जो खाने हैं ग्रांडेड वो घी के अंदर बनते हैं। ये फार्मूला है, 1 किलो गोश्त के अंदर 1/2 किलो प्याज, 1/2 किलो प्याज के साथ 1 कप घी, यानी कि अब यूज समझना कि 1 किलो का आधा प्याज, प्याज का आधा यानी कि 1 कप घी, तो ये फार्मूला है। इसी तरीके से 2 किलो गोश्त के अंदर 1 किलो प्याज, 1/2 किलो घी, लेकिन जब 5 किलो गोश्त आ जाएगा तो वहाँ पर 2.5 किलो प्याज इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ पर 2 किलो प्याज का इस्तेमाल होगा और घी सेम क्वांटिटी यानी कि 1 किलो। जब हम गोश्त को उड़ाते हैं तो मसाले को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो ये एक बैलेंस है हमारे खाने का, इस निहारी का। 1 किलो गोश्त के अंदर 1/2 किलो प्याज, 1 कप घी, 5 किलो गोश्त के अंदर 2 किलो प्याज और 1 किलो घी, ये रेशो है। अच्छा, यहाँ पर आपको हमने क्या करना है, जो आपका पैन है, पतीला है, उसको चूल्हे पर रखना है, चूल्हा जलाना है मीडियम आंच पर, उसके अंदर घी आपने ऐड करना है, 1 कप घी। ऐड करने के बाद हमने जो एक पॉकेट बनाया था कोटली, जिसके अंदर सौंठ और सौंफ था, ये घी के अंदर जाएगा। जैसे घी गर्म होगा आपने प्याज की कटिंग करनी है, रफली चॉप करना है, ना ज़्यादा मोटा ना बारीक, सिंपल चॉप करना है और आपने इस घी के अंदर ऐड करना है। इन प्याज को ज़्यादा कुक नहीं करना, ज़्यादा पकाना नहीं है, लाल नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा इसके अंदर थोड़ी सी गलावट आ जाए जबकि प्याज थोड़ा नरम हो जाए। तो चिकन, मटन या बीफ
जो मीट आप यूज कर रहे हैं, आपकी जो पसंद है, वो आपने इस घी के अंदर, इस प्याज के अंदर डालना है और इसको अब चलाना है चम्मच से देर तक, जहाँ हाथ रुकना नहीं है, मीडियम आंच में इसको चलाना है, जहाँ तक कि जो प्याज है, जो प्याज अपना वजूद खत्म कर ले, यानी कि इस प्याज को जो है ना, इस गोश्त की रगड़ से जो है ना, हमें इसको एक पेस्ट बनाना है, ताकि प्याज जो है ना, ये एक मसाले की शक्ल अख्तियार कर ले। ताजी जी, अब ये रुकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ताकि लिसनर्स को भी थोड़ा सा आराम मिले, उसके बाद आगे बताएंगे कि चिकन, मटन या बीफ के साथ हमने करना क्या है। सही है जी? ठीक है, तो जाइएगा मत, सुनते रहिए, जायके का सफर बड़े मजेदार सी निहारी बनने वाली है, तो आएंगे और आगे बढ़ाएंगे निहारी के सफर को और फिर आखिर में खाएंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक लिसनर्स, हम लोग वापस आ चुके हैं ब्रेक से और हमारे जो शेफ साहब हैं, उस्ताद जी हैं, वो भरपूर तरीके से जोश में हैं कि बस किसी तरीके से फौरन मैं निहारी बना दूं। तो जनाब अहमद भाई, आपने गोश्त डलवा दिया था और अच्छे तरीके से प्याज को घुलवा दिया था। अच्छा, अब हमने करना क्या है, एक प्याली, एक कप पानी लेना है, टैप वाटर जो होता है, नल का पानी जो होता है, जहाँ का पानी अगर मीठा करनी हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अंगूर नल के अंदर खराब पानी का आता है जो कि इसका टेस्ट खराब कर जाता है। ठीक है, मीठा पानी लेना है आपने, इसके अंदर दो खाने के चम्मच आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है पानी के अंदर। ठीक है, पानी के अंदर ऐड करके थोड़ा सा आपने इसको मिलाना है। ठीक है, अब आपने इस जो पेस्ट हमने बनाया था पानी के साथ मिलाकर अदरक लहसुन का, ये शामिल करना है आपने अपने चिकन या जो मीट आप बना रहे हैं इसके अंदर। ये शामिल करने के बाद आपने अपने जो मीट है थोड़ा सा भूनना है ताकि ये पानी जो है ये ड्राई हो जाए, और अदरक लहसुन का जो एक खास जायका है वो आपके जो मीट है इसके अंदर, गोश्त के अंदर रच बस जाए और जो इसका एक खुशबू है, जो महक है, वो ख़त्म हो जाए और एक गोश्त का जायका और खुशबू आने लगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि इसके अंदर सिर्फ एक मसाला हम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एक मसाला, और वो मसाला है रेड चिली पाउडर, यानी कि पिसी हुई लाल मिर्च। आपने दो चम्मच, यानी कि दो खाने का चम्मच भर कर आपने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। स्टैंडर्ड है, अगर आपको मसाला कम पसंद है तो एक चम्मच या 1.5 यानी कि डेढ़ चम्मच कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो 2.5 यानी कि ढाई चम्मच या 3 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा और जितनी की स्पाइसी लग रहा हो ये निहारी आपके लिए खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा अगर 3 चम्मच से ज़्यादा इसके अंदर आपने लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया तो। अच्छा, एक बात याद रखें, जब ये मसाला ड्राई फॉर्म में कुछ मसाला जात अपने खाने के अंदर डालें तो चूल्हा स्लो कर लें, चूल्हा स्लो करने के बाद आपने मसाला ऐड करना है, यानी कि मसाला शामिल करना है, चूल्हा स्लो करना है ताकि मसाले हीट की वजह से जले ना और तेज जो है ना वो बरकरार रखें। 1 मिनट के बाद आपने चूल्हे को खासी अपने जगह पर ले आना है, यानी कि मीडियम फ्लेम पर ले आना है, जहाँ पर थोड़ा सा मसाले को अपने एक शक्ल देनी है ताकि वो आपके गोश्त के अंदर, प्याज के अंदर और जो घी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था इसके अंदर रस गल जाए। अब यहाँ पर वही है अलार्म जो आपने कहा था कि अलार्म गल जाए, लिसनर हमारी रेसिपी बदलने लगी है, इमरजेंसी पेटियां बांध लीजिए। अच्छा, अगर चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 से 4 गिलास पानी, ट्रैक वाटर शामिल करेंगे मीट के अंदर, लेकिन अगर आप किसी रेड मीट यानी कि गाय का गोश्त या बकरे का गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 6 गिलास या 7 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे इन मीट के अंदर, और ये आपने इस्तेमाल करने के बाद आपने चूल्हे को स्लो करना है और जो पतीले का ढक्कन है उसको ढक देना है। यहाँ पर खवातीन अक्सर गलती करती हैं कि जल्दी के चक्कर में चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देती हैं और ढक्कन ढाँक देती हैं कि भाई हमारा खाना जल्दी बन जाएगा, ये तरीका गलत है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपका खाना कब जल जाएगा और आपको महसूस भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये अगर चिकन है तो तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे चिकन को गलने में,
अगर बकरे का गोश्त है और बकरे का वजन तकरीबन 10 से 18 किलो के दरमियान है तो इसको तकरीबन गलने में 20 से 25 मिनट लगेगा। अगर गाय का गोश्त है तो तकरीबन 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, इतना टाइम लग सकता है आपके गोश्त गल लेंगे। लेकिन आपने करना यह है कि आपने अपने गोश्त को चेक करना है कि ये कितना टेंडर हुआ है, यानी कि कितना ये गल चुका है। अगर ये गल चुका है गोश्त तो आपका खाना अब रेडी है नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। जी उस्ताद जी मेरी बात सुने, आपने बकरे के वजन का बोला, ये क्या बात हो गई, गोश्त का वजन कि बकरे का वजन? हमने तो किलो के हवाले से ये निहारी बनाई है ना, किलो गोश्त की। अच्छा, तो यहाँ आपको बकरे का वजन 18 किलो या 20 किलो, ये क्या बात हो गई? अच्छा, यहाँ पर जो शेफ होते हैं वो ये देखते हैं कि बकरे का साइज, अगर हम गोश्त लेने जा रहे हैं तो आप अपने जो जो दुकानदार से पूछ रहे हैं कि ये इस बकरे का साइज कितना है, कितना बड़ा बकरा ये, अगर ये बकरा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको गलने का टाइम लगेगा, ठीक है। अगर बकरे का साइज छोटा है, यानी कि अगर उसका उसका जो वजन है 15 किलो का वजन का जो बकरा होता है तो उसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये आपके दुकानदार आपको बता देगा। ये भी एक ट्रिक थी भाई कि ज्यादा बड़ा बकरा देर से गलेगा और छोटा बकरा जल्दी गल जाएगा। अच्छा, यहाँ बता दूं, बकरी का जो गोश्त होता है वो भी देर से गलता है, उसको भी टाइम लगता है गलने में। और हमारे उस्ताद जी ने इतनी मुस्तैद बातें बता दी हैं। अच्छा उस्ताद जी, नियारी बन गई, रोटी मंगवा लूं? अगिनी गनी नमक डाला किस तरह? नमक नहीं, नमक नहीं डाला, नमक नहीं डाला। दो तीन चीजें रह गई इसके अंदर, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, जिसके बगैर निहारी कंप्लीट नहीं हो पाती है, ठीक है। निहारी का जो मेन प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको थोड़ा सा हमने इसका जो शुरुआत है थोड़ा थिक करना है और मसाला यानी कि नमक का जायका लेके आना है और खुशबू के लिए थोड़ा गर्म मसाला डालना है। अच्छा, यहाँ पर अक्सर क्या होता है, हम घरों के अंदर नमक काले डाल देते हैं या घी छूट डालते हैं, हर खाने के अंदर ऐसा नहीं होता। कहीं पर नमक हमने स्टार्ट में डालना पड़ता है, यानी कि शुरुआत में डालनी पड़ती है, कहीं पर ऐड में और कहीं पर मसाले के साथ, कहीं पर मसाले के डालने के बाद, ताकि नमक का भी टेस्ट होता है। अगर हमने काले डाल दिया तो ये नमक जो है ना, ये टेस्ट अपना बहुत जल्दी ख़त्म कर देगा, गोश्त थोड़ा सख्त हो जाएगा आपका। तो निहारी के लिए जब भी आप खाएं निहारी तो आप महसूस करेंगे कि इसके अंदर नमक थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसकी वजह ये होती है कि नमक सबसे आखिर में डाला जाता है। अच्छा, जब आपका गोश्त गल जाए तो अब मेन अंगल हमने करना है, जिसकी वजह से हमारी जो निहारी जो थोड़ी ठीक होती है, थोड़ी गाढ़ी होती है, वो क्या है, आते हैं एक गिलास या एक गिलास थोड़ा कम, आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा, यानी क्वार्टर गिलास पानी लेना है। इसके अंदर 3 से 4 चम्मच लाल आटा, क्या देखिएगा, लाल आटा। अगर लाल आटा नहीं है तो घर के अंदर मौजूद जो भी आटा है वो आपने लेना है, पानी के अंदर आपने इसको डिजोल्व करना है, लिक्विडी फॉर्म बनाना है, फिर टेस्टी बनाना है, लिक्विडी फॉर्म बनाना है, और फिर आपने जो मीट है आपका इसके अंदर शामिल करना है, आहिस्ता आहिस्ता शामिल करना है, एक साथ शामिल नहीं करिएगा वरना इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। चूल्हा स्लो करना है, आपने एक एक घूंट या दो दो घूंट करके आपने इसके अंदर ये जो हमने लिक्विड बनाया था आटे का, ये शामिल करना है और इसको चम्मच से हिलाते रहना है। अच्छा, हिलाने के बाद चम्मच हिलाने के बाद आपने थोड़ा वेट करना है। जी ये बताएं, आपने हाफ से ऊपर, हाँ, आपने ग्लास पानी का तो बोल दिया, लेकिन उसमें आटा कितना, हाँ, डालना है? 2 किलो 3 किलो आटा डाल दूं? नहीं नहीं, 4 मैंने बताया ना, 4 चम्मच। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर मैं शायद निहारी में इतना खो गया था कि मुझे आटा ही नहीं पता चल पाया। नहीं, 4 खाने का चम्मच इसके अंदर आपने आटे का डालना है, लाल आटा। गेस्ट है नहीं है तो घर के अंदर जो भी आटा आपके पास मौजूद है, जो भी आटा से बना दी, गंदम का आटा, बहुत से लोग इसमें पाउडर डाल सकते हैं, पर्पल आटा होता है डाल दूं? डाल सकते हैं, फिर इसके बाद जो होगा फिर आप मेरा नाम हटा दीजिएगा कि ये एंगल साडा में सिखाया था, ये मैंने बिल्कुल नहीं सिखाया था। लाल आटा काया से और सफ़ेद आटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लाल आटा ही इसके अंदर यूज़ करें, सही रहता है, हेल्दी रहता है। अच्छा, यहाँ करें गलती करते हैं, आपने वही करना है जो हमारे उस्ताद जी बोल रहे, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, पंगा हो जाएगा, बहुत बड़ा पंगा होगा। अच्छा, यहाँ पर लाल आटे को पकने में टाइम लगता है। अक्सर लोग क्या करते हैं घर के अंदर, हम देखते हैं कि यार वो टेक्सचर नहीं आ रहा, वो गाढ़ा पन नहीं आ रहा, तो फौरन क्या करते हैं, कॉर्नफ्लोर लेते हैं और इसके अंदर ऐड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं। अब क्या होता है, कॉर्नफ्लोर जब अपना, इसे कहते हैं ना कि अपने जब वो अंगल शुरू होता है उसका गाढ़ा करने का, वो भी स्टार्ट हो जाता है और कुछ अर्से कुछ देर बाद
लाल आटा या जो भी आटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अपना अंगन शुरू कर देता है। तो ये दोनों मिलकर आपके खाने को बहुत ज़्यादा थिक कर देता है, एक लई के तैसे हो जाती है। तो हमें ये नहीं बनाना, थोड़ा यहाँ पे इंतज़ार करना है, ठीक है, 5-10-15 मिनट के बाद आपका ये कढ़ी जो है ये सालन ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। गैस जब ये ठीक हो तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच गर्म मसाला आपने थोड़े से पानी के अंदर लगभग 1 घूंट या 2 घूंट पानी के अंदर आपने मिक्स करना है और आपने इस निहारी के अंदर शामिल करना है। ऐड में आकर आपने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें शामिल करना है और अब आपका ये खाना तैयार है निहारी। अब इसको सर्विंग का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा आप जी, इसको ये बताएं कि आपने बोल तो दिया कि भाई नमक अपने हिसाब से, लेकिन एक मिनिमम क्वांटिटी तो बताया ना कि जी 1 टीस्पून या 2 1 टेबल स्पून इतना बता दें ताकि उसके बाद फिर जायका अपना खुद डेवलप करें। अच्छा यहाँ कर मैं आपको बता दूं तमाम संगीन से और आज से की दुनिया में कोई भी खाना का खाने वाला होगा, यानी कि हमारे उस्ताद ने क्या हमसे ये कहा है कि नमक 3 चीज़ें हैं जो कि क्वांटिटी नहीं बताई जाती, नमक, हरी मिर्च और चीनी। देखिए चीनी और मिर्च की क्वांटिटी हम बता देते हैं लेकिन नमक का जो होता है पूरी दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि आप कहीं भी देख लें नमक लिखा आएगा एज योर टेस्ट हैज योर जायका, तो ये नहीं बताया जाता। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ तकरीबन 1 चाय का चम्मच से 1.5 चाय का चम्मच स्टैंडर्ड है या 2 चाय का चम्मच स्टैंडर्ड है ये। इसके बाद कुछ फैमिली के अंदर नमक ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है, कुछ के अंदर नमक खाया नहीं जाता कुछ फैमिलीज के अंदर, और कुछ के अंदर नमक बिल्कुल मामूली से खाया जाता है, इसलिए नमक की क्वांटिटी नहीं बताई जाती। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है, ये आपके टेस्ट के हिसाब से आप नमक ऐड कर सकते हैं। अच्छा लिसनर्स, जब आपका ये निहारी के अंदर नमक डाल के आप टेस्ट डेवलप कर लें, चूल्हा बंद करना है, ढक्कन ढकना है, 2 घंटे के लिए छोड़ देना निहारी को, ठीक है। 2 घंटे के बाद इसके अंदर जो हमने घी इस्तेमाल किया था वो घी ऊपर के सतह पर आ जाएगी। उसके बाद आपने इस घी को अलग करना है, अलग बर्तन के अंदर निकालना है। इस निहारी के अंदर जो चिकन है चाहे जो मटन या जो बीफ है उसको आपने किसी अलग बर्तन के अंदर निकाल लेना है, और जो बचा हुआ जो एक इसका जो शोरबा है वो जो ग्रेवी है उसको आपने वैसे ही रखना है चूल्हे के ऊपर। जब आप इसकी सर्विंग करेंगे तो आपने मीडियम आँच का आपने चूल्हा जलाना है, जो इसकी ग्रेवी है इसको करना है गर्म, और सर्विंग डिश या सर्विंग बॉल उसके अंदर आपने जो गोश्त निकाला था जो मीट निकाला था वो रखेंगे, जो ग्रेवी है उसको निकालना है चम्मच से, और आपने उस चिकन के ऊपर कोर करना है, और जो तरी यानी कि जो घी था उसका 1 या 2 चम्मच अर्नस के ऊपर डाल देना है, और गार्निशिंग के लिए अदरक की आपने जूलियन कटिंग यानी कि लंबी लंबी सी कटिंग करनी है जो अक्सर निहारी के लिए हलीम के लिए जी हाँ के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं जी बिल्कुल। ये इसको गार्निश करना है हरा धनिया, इसके पत्ते को आपने चॉप करना है और इसको आपने गार्निश करना है। अच्छा यहाँ पर हमने लेना है 1 अदद या 2 अदद लींबू, इसके 4 टुकड़े करने हैं और इसमें से घी निकालना है। अक्सर खातें क्या करती हैं जलगाजी में लींबू की कटिंग करती हैं और घी छोड़ देती हैं, ये तरीका गलत है, ये दिखने में अच्छा नहीं लगता, घी हमेशा निकाल कर सर्व किया जाता है। और दूसरी बात उस्ताद जी के जब जायके मुंह में आते हैं ना बीच तो कड़वाहट आती है, ये बहुत जरूरी अंगल है। जब भी आप लंगन का इस्तेमाल करें किसी भी जगह पर तो छुरी की वजह से या उंगली की वजह से आप गीच को निकाल लेना है, वरना आपका जो खाने का टेस्ट है वो खराब हो जाता है, कड़वाहट आ जाती है। अच्छा आपने सर्व करना है लींबू के साथ, चाट मसाले के साथ, या फिर अदरक की आपने कटिंग कर ली लंगी लंगी से जूलिंग कटिंग जिसे हम कहते हैं, गर्म मसाला की बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, इसके साथ सर्व करना है। अगर आप नाश्ते में सर्व कर रहे हैं तो गर्म गर्म पराठे हो जाएं तो क्या एक बात है, लेकिन अब चूंकि मॉडर्न ज़माना है तो अगर यहाँ पर हम इसको रात में डिनर में सर्व कर रहे हैं तो इसको आप कुलचे के साथ, तिल वाले कुलचे के साथ, रोगनी नान के साथ, या ताफ्तान शिनवार और कई तरह के जो हैं इसके साथ सर्विंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दस्तरखान पर सर्व करने के लिए निहारी तैयार है। एक सवाल, अच्छा उस्ताद जी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने नान रोटी शीतमाल तेल वाला कुलचा रोगनी नान इसका जिक्र किया, हमारे पास कुछ गुजराती कम्युनिटी रहती है तो वो कीमे को निहारी को इस तरह के जो
रिच सालन होते हैं ना, उनको कड़क रोटी के साथ भी सर्व करते हैं, जिसका पाओ भी, हाँ अच्छा वो इंडिया वाला बड़ा पाओ, बड़ा पाओ पाओ कहा जाता है। अच्छा तो हाँ। उसके साथ भी सर्व करते हैं, मैंने अक्सर नोट किया है ना। एक सवाल जी, ठीक है, मुझसे पूछा नहीं, किसी लिसनर ने पूछा ना, आपने पूछा, वो जो हमने पोटली अंदर डाली थी उसका क्या हुआ? आपको याद होगा। तो उस कोटली को आपने जब आपकी निहारी तैयार हो जाए, जब आप गोश्त निकालने लगे तो उसके साथ वो कोटली को निकालना है, ठीक है, गर्म हो गया बहुत ज्यादा, हाथ में ग्लव्स कर लें या उसकी चंगच की मदद से दबाकर उसके अंदर का जो अर्क है वो आप उसके अंदर आपके खाने के अंदर शामिल कर लें, और उसको फिर आपने करना है डिस्कार्ड, यानी कि डस्टबिन में फेंक देना है और किसी से काम करनी हमारे वो। तो हमने ये प्रोसेस जो किया था इसीलिए किया था क्योंकि हमने आपके निहारी के अंदर सिर्फ सौंठ और सौंफ, इसका जायका और इसकी खुशबू चाहिए थी, बस इसका हमें कोई जरूरत नहीं है खाने के अंदर। तो इसलिए हमने सिर्फ एक मसाला इस्तेमाल किया, लाल मिर्च, बाकी अदरक का पेस्ट हमने इसकी खुशबू लाने के लिए और जो एक गोश्त की जो अपनी महक होती है उसको ख़त्म करने के लिए, और गर्म मसाला एक निहारी के अंदर और खुशबू जनरेट करने के लिए, यानी कि गर्म मसाला निहारी के अंदर और मजीद इसकी खुशबू को और बेहतर करने के लिए हमने इस्तेमाल किया। जायके के लिए सिर्फ हमने लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया, बस इससे निहारी बनती है। आप चाहें तो और मसाले भी यूज़ कर सकते हैं, कोई कैद नहीं है, लेकिन मैं जो निहारी बनाता हूँ अपने घर के अंदर इसी तरीके से बनाता हूँ। जी तो निहारी हमारी आप कंप्लीट तैयार है जी। शान साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल लिसनर्स, मेरे उस्ताद जी ने आपको बता दिया कि भाई निहारी तैयार है, तो चलते हैं हम ब्रेक की तरफ, ठीक है, उसके बाद जब आएंगे तो अगला सरप्राइज आपके सामने रिवील करेंगे। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जी खुश आमदेद सांगाइन, आपके सामने हम हाजिर हैं एक और नए सफर के साथ। गाना आपने सुन लिया होगा तो यकीनन आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि हम अब क्या करने जा रहे हैं, हमारा अगला सफर क्या है। जी बहुत ही स्पेशल, हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों के लिए कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय एक अक्सर जो है ना, हम अपनी दावतों में खानों में, यानी कि जब हम किसी शादी में जाएं तो यहाँ कश्मीरी चाय जहाँ होती है तो हम समझते हैं कि यार आशीर्वाद वाकई में मतलब कोई अच्छी दावत हुई है जहाँ कश्मीरी चाय पिलाई गई है। और अक्सर हमारे यहाँ पर एक कहा जाता है कि कश्मीरी चाय को बनाना बहुत मुश्किल है। कश्मीरी चाय को बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका जो ट्रिक है वो थोड़ा सा जो है ना डिफिकल्ट है, ठीक है, उसको हम बना कर रख भी सकते हैं। हमारी जो कश्मीरी चाय है इसका जो कावा होगा, यानी जो उसका जो एक कहते हैं, हम कहते हैं ना चाय, चाय पत्ती का जो फ्लेवर होता है कावा, वो हम बनाकर अपने फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। तो चलते हैं कश्मीरी चाय, हमारे कश्मीरी जो मेरे फ्रेंड हैं उनके लिए, उनके नज़र कश्मीरी चाय। अच्छा कश्मीरी चाय को किंग टी की कहा जाता है, ठीक है, कहीं अगर आप पढ़ें किंग टी तो परेशान नहीं होगा, किंग टी क्या चीज़ है। कश्मीरी चाय को किंग टी की कहा जाता है। अच्छा यहाँ पर हमने लेना है कश्मीरी चाय के लिए सबसे पहले तकरीबन 1.5 लीटर या 1 लीटर पानी, सादा पानी, इसको आपने डालना है कॉट में, यानी कि जो भी जहाँ पर आपने इस कश्मीरी चाय को बनाना है कॉट में शामिल करना है। चूल्हा जो है ना ऑन करना है मीडियम टू हाई, बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो और बहुत ज़्यादा स्लो भी ना हो। जब पानी के अंदर एक बॉयल आ जाए तो चूल्हा थोड़ा सा स्लो करना है। मार्केट में कश्मीरी चाय के नाम से पत्ती दस्तियाब है। अगर बिलफर्ज आपके इलाका है या आपके जो शहर है जहाँ रहते हैं, यहाँ का ये टी नहीं है, ये चाय नहीं है कश्मीरी चाय, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब चाय जिसे हम ग्रीन टी कहते हैं उसका इस्तेमाल भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर जब पानी बॉयल हो जाए तो ग्रीन टी यानी कि सब चाय की जो पत्तियाँ होती हैं वो हमने लेनी है तकरीबन 4 खाने के चम्मच, 4 खाने के चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं टेबल स्पून, ये पत्ती हम इस पानी के अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरीके से पकाएंगे। अक्सर हम गलती करते हैं कि ये पत्ती पकती नहीं है और हम इसके अंदर और दूसरे जो अज्जा हैं
वो शामिल करना शुरू कर देते हैं, उससे ये होता है कि इसका जो जायका है वो कहीं आगे पीछे हो जाता है, वहाँ से मिस हो जाता है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस क्या कहते हैं पानी के अंदर हमने इस पत्तियों का जो टेस्ट है वो डेवलप करना है, जो कि अच्छे तरीके से टेस्ट डेवलप हो जाए। इसको अच्छे तरीके से फेंटना है आपने इस पानी को, इस पत्ती को। अब इसके अंदर हम कुछ शामिल करेंगे, कुछ अज्जा जो कि कश्मीरी चाय के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, जिसके बगैर हम कहते हैं कश्मीरी चाय ना मुकम्मल है। सबसे पहले स्टारडम यानी कि गादियान के फूल। गादियान के फूल अक्सर बिरयानी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टारनुमा होता है, इसके चारों तरफ से पांच छह कोने निकले होते हैं। अगर छोटे साइज का है तो तकरीबन 2-3 अदद, ठीक है। लेकिन अगर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि स्टार रंग गादियान के फूल का साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो 2 स्टार रंग यानी कि गादियान के फूल का इस्तेमाल करेंगे और इन पानी के अंदर शामिल करेंगे। 2 अदद छोटी इलायची, इसको ऊपर से थोड़ा सा तोड़ना है और अपने इस पानी के अंदर, इस कावे के अंदर शामिल करना है। अच्छा, यहाँ कर मैं एक बात बताऊँ, जो छोटी इलायची होती है उसके अंदर जो गीज होता है उसका जायका, उसकी खुशबू अलग है, और इसके ऊपर जो कवर होता है यानी कि छोटी इलायची के ऊपर जो एक हरे कलर का एक कवर होता है, उसका जायका, उसकी खुशबू डिफरेंट है। तो ये दोनों खुशबू मिलाकर एक नई खुशबू बनती है जो कि हमने इसके अंदर चाहिए होती है। 2 अदरक इलायची, अच्छा लौंग 2-3 अदरक, दालचीनी बिल्कुल एक उंगली का जो कोर होता है इतना आपने चाहिए इसके अंदर। अभी हम इसके अंदर चीनी वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ यही चीज ऐड करेंगे, थोड़ा सा 1-2 चुटकी के बराबर किकिंग सोडा, ये इस्तेमाल करना है हमने इसके अंदर। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं बोला मैंने, ठीक है, बेकिंग सोडा जी, हमने 1-2 चुटकी इस्तेमाल करना है इसके अंदर। जैसे ही आप बेकिंग सोडा इसके अंदर शामिल करेंगे तो इसके अंदर गुगल जाना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बेकिंग सोडा ने अपना जो काम है, जो अंग है उसका, वो शुरू कर दिया है। अब इसको हमने अच्छी तरीके से पकाना है, यानी कि इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। हाँ, 1 चुटकी नमक का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। आपका सवाल है कि चाय के अंदर नमक का इस्तेमाल क्यों होता है, ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। अक्सर चाय के अंदर नमक का इस्तेमाल भी किया जाता है टेस्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने पानी को इतना बॉयल करना है कि अगर 6 गिलास पानी है तो वह 4 गिलास हो जाए, थोड़ा सा चाय का पानी जो है वो कम हो जाए, अच्छे तरीके से टेस्ट इसके अंदर एक इलायची का, लौंग, दालचीनी, गादियान के फूल का एक अच्छे से टेस्ट से करूँगा इसके अंदर डेवलप हो जाए। अब मेन एंगल वो ये करना है हमने कि हमने लेना है बर्फ या ठंडा पानी, चिल्ड वाटर जिसे हम कहते हैं, चिल्ड वाटर वो है तो ठीक है, वरना 1 गिलास के करीब हमने लेना है बर्फ। इसको क्रश करना है, इसको चूरा करना है, आहिस्ता आहिस्ता हमने इसके अंदर ऐड करना है अपने कावे के अंदर, और चम्मच से सिंचाई करना है, बस क्यूब से हमने इसको फेंटते रहना है। ये क्यों करते हैं, ये करने की वजह यह है कि अगर हमने इसका टेम्परेचर कम करना है कागे का, तो अगर हम चूल्हा बंद करेंगे तो फौरन ही इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा। तो इसका टेम्परेचर कम करने के लिए हमने बर्फ का पानी इस्तेमाल करना है ताकि इसका टेम्परेचर कम हो जाए, चाय को पक लेंगे अब थोड़ी सी मोहलत लग गई, अगर गर्म होगा तो ये चाय और कुक हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमने इसका ठंडा पानी या बर्फ का इस्तेमाल करना है। जब बर्फ का इस्तेमाल करेगा तो इसकी क्वांटिटी जो है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि जो है कागे का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अब आपने इसको स्लो आंच पे छोड़ देना है पकने के लिए। ये हो गया कावा तैयार आपका। इस कागे को फिर आपने छानना है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको डिस्कार्ड करना है, यानी कि फेंकना है, डस्टबिन में फेंकना है। ये कावा आपका रेडी है। आप इस कागे को आप पहले रूम टेम्परेचर पर रखें, फिर अब करना है नेक्स्ट प्रोसेस। इस कावे को आप तकरीबन 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक आप फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, ये कहीं जाएगा नहीं, ख़राब होगा और ना इसका टेस्ट
आगे पीछे होगा। हाँ, गलती से की अगर आपने इसके चीनी का इस्तेमाल कर लिया तो इसके अंदर थोड़ा सा लेस करना, यानी कि थोड़ा सा एक अजीब सा लेस आ जाएगा इसके अंदर, लेवी लेवी टाइप आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जैसे इसके अंदर टेक्चर इसका लेस आ जाएगा तो ये खराब हो जाएगा चाय। इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल करना यार है। अब आप इसको जब आपका दिल करे आप इसको निकालना है, दूध लेना है आपको। एक किलो दूध की मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एक किलो दूध लेना है आपने। एक किलो दूध, हालांकि दूध को जो है ना लीटर के हिसाब से काउंट किया जाता है, वो लीटर टू लीटर, लेकिन हमारे कराची में पाकिस्तान में दूध किलो के हिसाब से फरोख किया जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन हम कहते हैं कि ये एक किलो दूध देना, वैसे कि ये एक लीटर होता है। एक लीटर या एक किलो दूध का ये पूरा कंप्लीट इंग्रीडियंट बता रहा हूँ। एक किलो दूध देना है, क्वार्ट के अंदर शामिल करना है। अब यहाँ पर चूल्हे को थोड़ा तेज करना ताकि दूध जो है हमारा बॉयल हो जाए। उसको अच्छी तरीके से बॉयल करना है, इतना कि ये इसका एक कप के बराबर कम हो जाए, यानी कि दूध जो है ना अच्छी तरीके से, हम आपके जबान में कहते हैं ये दूध औंट जाए अच्छी तरीके से, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, ठीक हो जाए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसके अंदर हमने डालना है ड्राई मिल्क, यानी कि खुश्क दूध, तकरीबन 3 खाने के चम्मच या 4 खाने के चम्मच। चूल्हा स्लो करेंगे, चूल्हा स्लो करने के बाद एक एक करके पहले एक चम्मच डाल लें और दूध को तेजी से हिलाना है, फिर सेकंड चम्मच यानी कि दूसरा चम्मच, फिर दूध को हिलाना है। ये एक थोड़ा सा एक ठीक सा एक टेक्सचर बन जाएगा हमारे पास, क्रीम नुमा बन जाएगा। अब इसके अंदर हमें डालना है तकरीबन आपकी ऑन चॉइस है बादाम पिस्ता, इसको आपने जो है ना चाहे चॉप कर लें, चाहे एक या दो कर लें, चाहे लंबी लंबी कटिंग कर लें, या आपकी ऑन चॉइस है। इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको फिर अच्छे तरीके से और दूध को खेटना है, जिस तरीके से हमने अपने कैनेगल टी को जो है ना खेटा था, दूध को अच्छे तरीके से खेटना है, फेट लेना है और इसके अंदर भी एक बबल डेवलप करना है, जबकि दूध अच्छे तरीके से फेट जाए, क्रीम नुमा बन जाए। अब आपने क्या करना है, जो हमने वो बनाया था कावा, उसे एक कप कावा उठाना है, एक कप इस दूध के अंदर ऐड करना है और फिर इसको अच्छे तरीके से मिलाना है। इस दूध का कलर जो है ना पिंक कलर हो जाएगा। हमने इसके अंदर किसी भी किस्म का आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया, ना ही रेड कलर का इस्तेमाल किया, ना ही जो मार्केट में जो लाल पीले जो मुश्किल मिलते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उन ब्रांड्स का, वो आप समझ गए होंगे किसका नाम ले रहा हूँ, ना वेट किया हमने, कुछ ऐड नहीं करना, बस कावा दूध के अंदर ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा हमने पकाना है और ये हमारी कश्मीरी चाय तैयार है। आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई मिल्क ऐड ना करें, या कि ऑन चॉइस है, अगर ड्राई मिल्क ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा, ये शायद आपको पसंद ना आए लेकिन मुझे पसंद ही है, थोड़ा सा थिक करता हूँ अपने इस चाय को, तो उसका देखने का मज़ा भी होता है, पीने का एक अलग मज़ा है, और ये जो खुशबू आती है एक ड्राई मिल्क की उसका तो एक अलग ही मज़ा है। तो जब ये तैयार हो जाए तो अब आपने सर्व करना है इसको अपने गैस के सामने। सर्व करने का तरीका क्या है, आपने एक कैटल के अंदर तंगांग जो कश्मीरी टी हमने जो बनाया है इसको कैटल के अंदर शामिल करना है, जितने गेस्ट हैं आपके उतने कप रखना है, उसके साथ ही एक शुगर पॉट रखना है विद स्पून, और जो आपके गेस्ट हैं वो अपने हिसाब से आपके टेस्ट के हिसाब से वो शुगर इस चाय के अंदर शामिल करेंगे और फिर वो इन्जॉय करेंगे। चीनी का इस्तेमाल मैं इसके अंदर नहीं करता, एक बिना चीनी के ही मुझे बहुत है ना पसंद है। तो हमने क्या करना है, इसको चीनी के साथ सर्व करना है। तो ये हमारी कश्मीरी चाय बिल्कुल रेडी है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, बस मेहनत क्या है, हमने जो बनाना है कावा वो मेहनत है, दूध जो बनाया हमने उसको मेहनत है, बस कोई मेहनत नहीं है इसके अंदर। आपका कावा का स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, मज़ेदार होगा, तो बस कश्मीरी चाय आपकी बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। जी शायान, कैसे लगी कश्मीरी चाय? कश्मीरी चाय का सुन के कश्मीर जाने का दिल चाह रहा है, और इसी के साथ साथ पता भी नहीं चला हमारी रेसिपीज जैसे कंप्लीट हुई है तो हमारे शो का टाइम भी कंप्लीट हो गया। तो लिसनर्स इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए जायके के सफर पे। कुछ मैं मैसेजेस यहाँ पे शामिल करना चाहूंगा जो हमारे पास आए हैं। लाइबा गानियानी है जो कि कह रही है जी मैं वन ऑफ द आपकी लिसनर्स, यानी कि पहले भी जो है हमारा शो सुनते आई है, चप्पू भाई को बहुत पसंद किया था उन्होंने और पप्पू भाई को भी किया था पसंद, और अब वो कह रही है कि आप एक नए अंदाज में हमारे सामने आए हैं, तो एक अच्छा अंदाज है आपका, बहुत शुक्रिया लाइबा।
और आप भी एक फूड लवर हैं बता रही हैं, और नहारी की जो रेसिपी आपने सुनी है उसको बड़ा सराहा है, उन्होंने बोला है कि बड़ी यूनिक सी थी, सिर्फ एक मसाला इस्तेमाल हुआ। तो इसी तरीके से वो कह रही है कि मैं आगे भी सुनती रहूंगी और आगे भी जो आपकी रेसिपीज हैं वो जरूर सुनूंगी और उसको ट्राई भी करूंगी घर पे। साथ साथ हमारे साथ जो है वो लुबना है, असद है, ये दोनों सुन रहे हैं हमारा शो। लाहौर से नैयर हमारा शो सुन रहे हैं, तो इनकी भी तरफ से बहुत बेस्ट विशेज हैं। आप तमाम लिसनर्स का बहुत शुक्रिया। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह अगले शो में आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते वही बात कहूंगा कि बगैर अटेम्प्ट किए गिव अप मत कीजिएगा, बेशक अटेम्प्ट करके हार जाएं, इत्मीनान रहेगा कि हाँ कोशिश की थी। और अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अहमद आप भी एंड कर दें। जी शायान, बहुत अच्छी बात की कि बिना अटेम्प्ट किए हार नहीं करना चाहिए, जिंदगी के आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना जरूरी है, फर्स्ट स्टेप बहुत जरूरी है। जब तक हम कदम नहीं उठाएंगे तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जो सफर हमारा चल रहा है, इस सफर को चलने के लिए कदम उठाना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ ही मैं आप सभी से लूंगा इजाजत अगले हफ्ते तक के लिए, एक नई रसीकी के साथ, एक दो नए सफर के साथ, या एक नए सफर के साथ हाजिर होंगे। दुआओं देखिएगा, नए शक एंगर मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने कमाना।